गुजरात की एक तिहाई आबादी गरीबी रेखा के नीचे। जिस तरह देश में बेरोजगारी, अशिक्षा, बढ़ती महंगाई और खराब स्वास्थ्य व्यवस्था एक अहम मुद्दा है, ठीक उसी तरह गरीबी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे गुजरात राज्य के बीपीएल धारकों की, जिनकी संख्या घटने के बजाय और अधिक बढ़ती जा रही है। मतलब गरीबी घटने के बजाय और अधिक बढ़ रही है। मैं आकृति कुमारी और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस समय गुजरात राज्य की एक तिहाई आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, क्योंकि ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के मुताबिक गुजरात में कुल 31,61,310 BPL परिवारों की पहचान की गई है। अब तक 31,61,310 BPL परिवारों में औसतन सदस्यों की संख्या 6 मान लिया जाए तो गुजरात में BPL आबादी कुल 1,89,00,000 हो जाती है, और यह आबादी राज्य की कुल आबादी का लगभग एक तिहाई हिस्सा है। आंकड़ों के अनुसार 31,61,310 BPL धारकों में 16,28,744 परिवार बेहद गरीब है, जबकि 15,32,566 परिवार गरीब की श्रेणी में है। बताते चले कि आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में BPL श्रेणी में परिवारों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में घटने के बजाय और अधिक बढ़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2020-21 में 1,047 परिवार BPL श्रेणी में आ गए थे और इस साल केवल 14 परिवार इससे बाहर निकल पाए। इसी प्रकार साल 2022-23 में BPL श्रेणी में 1,751 नए परिवार BPL श्रेणी में आ गए, जबकि इस साल केवल 2 परिवारों की स्थिति में सुधार हुआ है और वे BPL श्रेणी से बाहर निकल पाए, जबकि साल 2022-23 में BPL श्रेणी में 303 परिवारों की वृद्धि देखी गई और इस बीच केवल 1 परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ पाया। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों, जिनमें वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 शामिल है, इन वर्षों में गरीबी घटने के बजाय और अधिक बढ़ी है। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो अगर सबसे पहले देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।